नमस्कार प्यारे मित्रों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस एंड कुरवाई कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी परसेंटेज का टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, जिस पर आज सारे प्रश्न आय व्यय पर आधारित होंगे। जैसे कि आय मतलब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। जैसे कि आय 100% है और कोई व्यक्ति खर्चा 78% कर रहा है तो बचा कितना होगा 22%, क्योंकि टोटल कितना करना है अपने 100। अपन पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो अपना आय बराबर क्या होता है, आय मतलब इनकम, इनकम बराबर होता है अपना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आय कितनी होती है 100%, तो 100% बराबर एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना कर रहे हैं 80% खर्चा कर रहे हैं तो बचा कितना रहे हैं अपन 20%, क्योंकि आप कितना होना चाहिए 100 पूरा टोटल। अब वृद्धि कितने की हो रही है यहाँ पर, उसकी आय में 12%, मतलब 100 से 12% मतलब कितना हो जाएगा 112%, और बचत में 10% की कमी हो रही है, बचत में 10% की कमी मतलब सेविंग कितनी है 20%, तो 10% क्या आएगा इसका 20 का 10% की कमी मतलब 90% निकालेंगे, क्या निकालेंगे 90%, मतलब कितना हो जाएगा जी 9 × 2 = 18, कितना हो जाएगा 18%। और अपने टोटल 112 करना है तो क्या करेंगे, 112 में से 18 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 12 में से 8 जाएंगे 4 और यहाँ पर बचा अपना 10 में से 1 जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा अपना 9 बच जाएगा। तो यहाँ से अपना बड़ा कितना है, यहाँ पर क्या निकालना, उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत, तो उसका पहले खर्चा कितना था 80, तो अब कितना हुआ 94, मतलब बड़ा कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस कितना है एक दोनों में 4 और 9 में से आ जाएगा 1, 14 कितने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, क्या हुई यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि बराबर 14/80 × 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसे काटेंगे 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14, तो ये हो जाएगा अपना 35/2, मतलब 35/2 मतलब कितना आएगा ये जी आ जाएगा 17.5%, कितना हो जाएगा ये 17.5% की वृद्धि, तो अपना ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसको दूसरे टाइप से अपन इस तरीके से कर सकते हैं, क्या हुआ है कितने की वृद्धि हुई 12 की, तो हो जाएगा 12 और इसमें कितने की वृद्धि हुई बचत में वृद्धि हुई अपनी 10%, मतलब 10% सॉरी कमी हुई, तो इसको लिखेंगे अपन 2, 20 का 10% 2 आ जाएगा, तो टोटल कितना करना है और तो हो जाएगा 10 प्लस क्या है, पहले कितना था 10, तो 10 से कितना बढ़ गया जी अपना 80 था, तो यहाँ परसेंटेज में तो 100, तो ये आ जाएगा अपना 2 × 2 = 4 × 8 और ये 25, तो यहाँ से 12.5%, यहाँ से हो जाता है जी अपना अप्रोक्स बड़ा कितना है यहाँ पर, यहाँ पर इसका निकालते हैं 80 का, तो ये आ जाता अपना 14%। अब अपन अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, थोड़ा गलत हो गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे,
मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती हो जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो क्या होता है, आय बराबर इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कितने प्रतिशत? मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती हैं। जैसे कि इसकी मोनिका की आय 100 है तो इसका ये 72% खर्च कर देती हैं, तो बचाती कितना है तो घटा देंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 8 और 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब क्या कह रहेंगे, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो मान लो यहाँ पे अपन लिखा 20% की वृद्धि और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, मतलब सेविंग में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो 28 का 15% कितना आएगा अपना, तो यहाँ पर निकाल लो 28 का 15% तो आ जाएगा अपना जी, आ जाएगा इसको काट देंगे अपन, तो 5 3 15, 5 2 10, 2 से काट देंगे तो यहाँ अपना 10 बार, और ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 14, तो ये आ जाएगा अपना, यह आ जाएगा 14 3 42, मतलब ये आ गया अपना 4.2। कितना आ गया जी, 4.2। तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 20 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपना, 20 में से जाएगा तो मतलब 8, और यहाँ पे बची अपने कितने 9 में से 4 जाएंगे तो 5, और यहाँ पे बचा 1, तो कितने की वृद्धि हुई 15.2। यहाँ से अपना ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई, यहाँ पर ने वृद्धि निकालना है तो कितना आएगा 15.8/72 × 100, तो यह आ जाएगा, इसको अपन काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से काट देंगे, 4 2 8, 4 5 20, 4 1 4 4 8 32, इसको 2 से काटेंगे तो यह आएगा 2 9 18, 2 7 14, 2 9 18, 25 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 9 225 की 5, हाँ से लाएँ 22, 25 7 175 और 22, 175 और 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अपन प्लस कर लें 175 और 22, तो इसमें जोड़ देंगे तो 7 9 1 197, 197 दसलो कितने अंकों बाद है, 1 अंक बाद, अपॉन 9 से काटेंगे, 9 2 18 बचा 1, 9 1 9 बचे यहाँ पर तो यह आ जाएगा अपना ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 21.9%। इस प्रकार अपना ऑप्शन सी सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला तीसरा प्रश्न है, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 3/8% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ से देखेंगे, आय बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय 100 होती है, यहाँ पे खर्च 68% खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहे होंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 और यहाँ पर 9 में से 6 जाएंगे 3, मतलब कितने बचा रहे होंगे 32%। अब आगे पढ़ेंगे, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई, आय में कितने की वृद्धि हुई 20% की, तो यहाँ पर लिखेंगे 20% बराबर, और बचत और उसकी मासिक बचत में 9 3/8, तो ये जाएगा अपना 75/800, कितना हो जाएगा ये 75/800।
800, तो 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा 3/32, 3/32 मतलब किस में करना है, उसकी मासिक बचत में, बचत कितनी थी 32, तो 32 से 32 कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 17 और 3, तो यहाँ से ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 17/68 इंटू 100, 17 चौका 68, 4 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 25 बार, कितना प्रतिशत आ गया 25%, 25% की वृद्धि हुई आपका। अगले प्रश्न चौथे की ओर बढ़ाएंगे, तो अगला चौथा प्रश्न है, अगला अपना चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आय 100% होती है, इसमें व्यय कितना करा उसने 75%, तो बचाया कितना होगा 25%। आगे उसकी आय में 28% वृद्धि, मतलब आय कितनी बढ़ाई 28%, उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, व्यय में कितने की वृद्धि हो जाती है 20%, मतलब 75 का 20% कितना आया, या निकाल लो एक साइड में, 75 का 20% मतलब 1/5 होता है, क्या आ जाएगा 5 × 5 = 25, तो कितना आ गया 15, तो इसमें से माइनस करें तो 13% बचत क्या हो जाएगी इसकी 13% हो जाएगी। तो बचत में पूछे कितने पैसे वृद्धि या कमी हुई, तो बचत निकालना है, तो बचत प्रतिशत बराबर 15/ बचत प्रतिशत क्या निकालना है इसमें, बचत प्रतिशत तो बचत क्या है, सॉरी 13/25 इंटू 100, तो यह आएगा 25 चौको 100, 13 चौका 52%, तो बचत प्रतिशत आई यहाँ पर 52%, तो अपना क्या हुई और वृद्धि, तो ऑप्शन बी वाला सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पर आय हमेशा कितनी होती है 100%, अब 100% आय होती है तो कितना हो जाएगा बराबर, उसकी अपनी आय का 15% बचाती है, मतलब खर्चा कितना करती है 85%, तो बचाती कितना है 15%। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, कितना बढ़ता है व्यय, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता हो, बचत 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत, हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, उस यदि उसकी व्यय कितना बढ़ता है 20%, तो 15 का 20% मतलब 3 होगा, 15 का 20% 3 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालते हैं 15 का 20%, 20% मतलब 20/100 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 × 20 = 20, 25 = 100, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 × 3 = 15, कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15, तो कितना आ जाएगा अपना 3 + व्यय बढ़ता है मतलब 85 का
1/5, तो मतलब 5 एकम 5 और 5 7 35 कितना हो गया ही 17। और बचत में 60% की वृद्धि होती है, बचत में भी कितने प्रतिशत वृद्धि होती है 60 की, तो 60% मतलब 3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 9, जैसे कि कितनी है बचत 15 है, तो 15 का 60% मतलब 3/5, तो 5 3 15 दी जाएगी इसकी बचत 3 3 का 9 हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं इसमें, जिसमें बोल रहे हैं आय, तो आय क्या होगी इसकी 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी आय 26%, कितनी हो जाए इसकी 26%। अब बड़ी कितनी है 100 से 26, तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला सही रहेगा। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 को कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न छठवें की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे आय हमेशा कितनी होती है 100%, आय कितनी होती है हमेशा 100% होती है, तो इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपना ये आएगा खर्च 72% खर्च करता है, जैसे कि 72% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा हुआ 10 में से 2 जाएंगे 8 और 9 में से 7 जाएंगे 2, कितना बचा रहा होगा 28%, कितना बचा रहा होगा 28%। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि, आय में कितनी की वृद्धि हुई 28%, में यहाँ पर लिखेंगे 28 बराबर, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई, व्यय में कितने की वृद्धि हुई 25%, मतलब 72 का 25%, 25% होता है 1/4, तो यहाँ पर काटेंगे तो 4 एकम 4 4 8 32, मतलब 18 एकम 18, ये आ गया 18%, तो ये कितना रहेगा इसका 10%। तो उसकी बचत में, तो बचत क्या है 10/28% पूछे, इसलिए गुणा में लिखेंगे 100, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 2 5 10, 2 1 2 2 4 8, इसको काट देंगे तो 2 5 10 0 का 0, 2 7 14, तो ये हो जाएगा अपना 250 250/7, 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 7 3 21, बचे 4 7 5 35.7, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 1200 रुपये बढ़ जाती है, तो उसके प्रारंभिक अपव्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसका अपन निकालेंगे तो इसकी आय क्या है 44%, मतलब यहाँ से लिखें तो ये होता है अपना 44.44% फ्रैक्शन में होता है 4/9, कितना होता है 4/9, तो ए इसका, जैसे कि इनकम की बात करें तो इनकम क्या हो जाएगी, इनकम रहेगी इसकी टोटल, इसकी इनकम टोटल 13, कितनी रहेगी इनकम 13, इसकी इनकम यदि 13 है तो खर्चा है 9, तो बचा कितने रहिए 4, बचत होगी 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिया है 0 है, तो यहाँ पर अपन 2 0 लगा लेंगे, ये 900 और जो हो जाएगा 400, तो ऐसा हो जाएगा ये अपना
1300, या फिर ऐसा ना करके यहाँ पर सिंगल जीरो कर लो इसको, क्या करें अपन ये सिंगल इसको 90 और ये 40। अब क्या कह रहे हैं इसमें 60%, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हुई, यदि उसकी आय में 60%, इसका 60% निकालेंगे 130 का 60%, तो कितना हुआ 60%, 3/5 होगा, 5 से काट देंगे, 5 2 10, 5 6 30, तो 26 3 78, कितनी की वृद्धि हुई यहाँ पर 78 की, बराबर उसके व्यय में 70% की वृद्धि हुई, व्यय में कितने परसेंट की 70, तो 90 का 70% निकालेंगे, तो 90 का 70% आएगा 9 7 63, कितना आ जाएगा 63, प्लस बचा कितना, तो 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेंगे और 7 में से 6 जाएंगे 1, कितना 15। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा अपन से, तो प्रारंभिक आय मतलब 15 की वैल्यू, इस 15 की वैल्यू क्या दी है सवाल के अकॉर्डिंग 12,000, कितनी है 12,000, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा जी अपना यहाँ से निकालेंगे, तो ये आएगा 15 8 120, एक यूनिट बराबर आ जाएगा 800। अपन निकालना क्या, प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में अंतर, प्रारंभिक व्यय व्यय था 90 और 40, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 50 यूनिट, इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 50 × 800, तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 40,000, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 11.9% की वृद्धि होती और उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, तो यहाँ से देखेंगे 87.5% फ्रैक्शन में कितना होता है, फ्रैक्शन में होता है 7/8, यहाँ से ऐसे लिखेंगे 11.1% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/9, कितना होता है 1/9, 14.28% फ्रैक्शन में कितना होता है अपना 1/7, फ्रैक्शन में होता है 1/7, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब आय बराबर खर्चा प्लस बचत, जैसे कि अपन इससे देखें टोटल यदि आय 8 है तो खर्चा अपन कितना कर रहे हैं 7 खर्चा कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे हैं 1, लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या है 9 है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9 का 72, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। अब यदि इसका 1/9 निकालेंगे कितना आएगा जी 8, इसका 1/7 निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना, ये यहाँ पर कितना हो 1/ मतलब कि वृद्धि हुई, तो एक मतलब वृद्धि निकालेंगे तो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा अपना 1/9, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 63, 7 × 63 प्लस 7 × 63, तो यहाँ से इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और 8 80, और 80 करना है तो ये रहेगा 72 + 8, तो यहाँ से निकालेंगे 8/8/ ये हो जाएगा 80 बचत इंटू 100, तो प्रतिशत में देखेंगे तो यह आ जाएगा 8 × 8, यह आ जाएगा 10%, इसका आंसर आ जाएगा 10%। इस प्रकार अपना प्रश्न क्रमांक 8 बस कंप्लीट हो गया। अब नवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
तो नवा प्रश्न है अपना, नवा प्रश्न है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पे इसकी आय क्या है, 100 है, आय क्या है 100% है, तो ये खर्चा क्या रहेगा इसका, 15% बचा लेते तो मतलब खर्चा कर रहा है 85%, कितना खर्चा कर रहा है 85%, तो बचा कितना रहा है 15%। यदि उसकी आय 20% वृद्धि होती है, आय में कितनी वृद्धि होती है 20% की वृद्धि होती है और अब भी वह पहले जितनी ही बचत करता है, अब भी वह कितनी बचत करता है पहले जितनी ही मतलब 15% ही बचाता है, तो कितना रहेगा इसका जी, 5 पहले जितनी ही बचत करता है, मतलब बचत पहले जितनी मतलब 0, कितनी करता है 0, वो खर्चा कितना करता है 20, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, इसका खर्चा एक्सपेंडिचर, तो खर्चा परसेंट बराबर 20/85 × 100, तो आ जाएगा 5 × 20, 5 × 5, 5×7 = 35, तो आ जाएगा 400/17, 17 से काटेंगे तो आ जाएगा 17 × 2 = 34, बचे 6, 17 × 51 बचे 9, 17×85 कितना आ जाएगा 17×85, तो इसका आंसर आ जाएगा 23.5%, ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। इसी प्रकार अगले 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, दसवा प्रश्न है इसका अपना, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आय 100% है तो बचाता कितना है 25%, तो खर्च कितना करता होगा 75%। यदि उसकी आय 20% की वृद्धि, आय बढ़ गई मान लो 20%, और फिर वह पूर्व को बचाता है, बचत सेम मतलब खर्चा वो कितना कर रहा है 20 प्लस यहाँ पे 0, तो ये रहेगा अपना 20/75 × 100%, जी क्या है खर्चा परसेंट, खर्चा प्रतिशत, तो यहाँ से 25 × 100, 25 × 75, तो यह जाएगा 80/3%, इसको काट देंगे 3×2 = 6, 3×6 = 18, मतलब 26 / 2/3%, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न 11वीं की ओर बढ़ते हैं, तो 11वां प्रश्न है, गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है, यदि उसका व्यय 14/2/7% बढ़ता है और आय में 20% की वृद्धि होती, उसकी बचत में 9,600 रुपये की वृद्धि हुई, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या है, जैसे कि उसकी आय क्या है 100%, जैसे कि 100%, यहाँ से 100% ना लेके क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर लेंगे कितना है 18 18.18
1.8%, फ्रैक्शन में होता है इसकी वैल्यू 2/11, कितनी होती है 2/11। इसी प्रकार से लेंगे अपन इसकी 20%, सॉरी 20% ही कितना है 14 सही 2/7%, फ्रैक्शन में होता है इसका मान, फ्रैक्शन में होता है इसका मान 1/7, ऐसे ही होगा अपना 20%। तो 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5, 20% होता है 1/5। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आय, जैसे आय यहाँ पर क्या थी 11 बराबर, बचा कितना रहे जी 9, खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहे हैं 9, खर्च कर रहे हैं तो बचा रहे हैं 2, 9 खर्च कर रहे हैं तो बचा रहे हैं 2। और यहाँ पर परेशानी वाले क्या हैं यहाँ पे जी 7, इसमें 7 का गुणा कर देंगे क्योंकि 7 ही परेशान करेंगे और 5 भी करेंगे, तो यहाँ पर 5 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अपना इसमें भी सभी में 5-7 का अपन गुणा कर देंगे, 5 और 7 का, 5 इसमें 7 का गुणा कर देंगे। अब क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है राय बचाती है यदि उसका ब्याज 14 सही 1/7% बढ़ता है और आय 20%, तो यहाँ पर जी बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा ये अपना, ये आ जाएगा यहाँ से अपना 20% देंगे तो ये हो जाएगा टोटल यहाँ से 2/11 यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अपना 77 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9×45, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर अपना 32। ठीक है, इसका 1/7 निकालेंगे तो 1/7 आएगा तो 7-7 कट जाएंगे, तो अगर 9×45 ये 32 77 हो गया। अब यहाँ पर अपने लिए कितने की वैल्यू दी है 32 की वैल्यू दी है, 32 यूनिट बराबर दिया है अपने लिए 9600, तो एक यूनिट बराबर आ जाएगा ये अपना 32×96 तो क्या निकालना है प्रारंभिक आय, तो प्रारंभिक आय क्या थी, प्रारंभिक आय थी 385, यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक आय बराबर 385×300, तो इसका गुणा कर देंगे 3×5=15 हासिल आई 1×3=24 और 1×25=5 3×9=11 दिया जाएगा 11500, मतलब ऑप्शन ये वाला सही रहेगा। आज अपन यहाँ पर ही छोड़ते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, वीडियो यदि पसंद आए तो।